Assalamualaikum students, I hope you are fine. Let's start today Urdu workbook 2, page number 43. छोटे अशकाल को हरूफ इल्लत वाओ से लिखने की मशक करें. यहाँ पे हरूफ इल्लत वाओ के साथ छोटे अशकाल को जोड़ के राइट किया गया है, ठीक है. तो आप लोगों ने भी इनको राइट करना है देख के. ये मैंने राइट किया हुआ है, आप लोगों ने भी इसी तरह राइट करना है, ठीक है. ये को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएं. टू जुमले बनाए हैं मैंने यहाँ पे, आप लोगों ने भी यहाँ पे बनाने हैं टू जुमले. ये ताला दो, ये किताब है, ठीक है. इस तरह नेक्स्ट है जुमले. यहाँ पे भी जुमले टू जुमले दिए गए हैं, काटो. तो इसका हमने जुमला बनाना है, बाल काटो, बाल काटो. रोको, राजा को रोको, राजा को रोको, ठीक है. नेक्स्ट है चार हरफी अल्फाज मुकम्मल करें. तो यहाँ पे दो हरफी लफ्ज दिए गए हैं, दो और राइट करके हमने एक लफ्ज, हमने चार हरफी लफ्ज मुकम्मल कर देना है, ठीक है. बेवा बो रे अलिफ्रा बोरा, तेवा तो लाम अलिफ्ला तोला, चेवा चो लाम अलिफ्ला चोला, रेवा रो ते अलिफ्ता रोता, सीनवा सो ते अलिफ्ता सोता, मीमवा मो अड़े अलिफड़ा मोड़ा, ठीक है. आप लोगों ने इस तरह इसको राइट करना है. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. दुरुस्त लफ्ज पर सही का निशान लगाएं. ये और वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है. इन दोनों में से जो दुरुस्त होगा उस पर हमने सही का निशान लगाना है. दूर की चीज़ को वो बोलते हैं और नज़दीक की चीज़ को हम ये बोलते हैं, ठीक है. तो घर जो है वो दूर है, तो वो को हम टिक करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट है ये बिल्ली देखें. बिल्ली नज़दीक है, तो यहाँ पर हम ये को टिक करेंगे. नेक्स्ट है जी बत्तख. बत्तख दूर है, तो फिर हम वो को टिक करेंगे. नेक्स्ट है आम. आम नज़दीक है, तो ये को टिक करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे अलिफ से ये तक हरूफे हरूफ बमा छोटी अशकाल लिखें, ठीक है. तो यहाँ पे अलिफ से लेके आप लोगों ने भड़िए तक अलिफ पे राइट करनी है, ठीक है, विद छोटी अशकाल. ये देख लें मैंने कैसे राइट किया हुआ है. आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह शेप्स बनानी है और इसी तरह इनके छोटे अशकाल साथ राइट करनी है, ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.